स्टूडेंट्स, वेलकम इन अनदर सेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिक्स। हियर इज एक्टिविटी 9 ऑफ चैप्टर 3। द आवर चैप्टर इज अ वाटर वाटर एवरीवेयर। तो अभी आपको इस एक्टिविटी में पता चलेगा कहाँ पर कितना वाटर है हमारे अर्थ पर, यानी हमारे प्लैनेट पर। हाउ मच वाटर इज देयर ऑन अर्थ, हमारे अर्थ पर कितना पानी है हमारे प्लैनेट पर। There is a lot, बहुत ज़्यादा, बहुत वाटर है। फिर भी आप सोचते हैं कि क्यों बोलते हैं कि वाटर सेव करना चाहिए, क्योंकि इतना सारा वाटर है वो क्यों सेव करना है, वो आपको इसमें पता चलेगा। समटाइम्स इतना कितना है, देयर इज अ लॉट, समथिंग लाइक, कैन यू रीड दिस फिगर, नो, ओके, आई विल हेल्प यू। इट्स अ 160 लियंस 260 क्विंटेलियंस। कितना है 160 लियंस, 160 लियंस 260 क्विंटेलियंस, ओके, 160 लियंस 260 क्विंटेलियंस। नाउ क्लियर। लीटर कैन बी फाउंड ऑन अवर प्लैनेट, लीटर कैन बी फाउंड ऑन अवर प्लैनेट। दिस वाटर इज इन अ कंस्टेंट साइकिल, और ये जो वाटर है वो कैसा है, कंस्टेंट साइकिल में हमारे प्लैनेट पर इस वाटर की कंस्टेंट साइकिल चलती रहती है। इट एवोक्रेट्स फ्रॉम द ओशन, ट्रेवल्स थ्रू द एयर, रेंस डाउन ऑन द लैंड एंड देन फ्लोज बैक टू द ओशन। यानी क्या होता है इस वाटर साइकिल में, एवोपरेट फ्रॉम द ओशन, ओशन से एवोपरेट होता है, ट्रैवल थ्रू द एयर, एयर में ट्रैवलिंग करता है, रेंस डाउन ऑन द लैंड और देन वापस लैंड पर आ जाता है, एंड देन फ्लो बैक टू द ओशन, और वापस से क्या होता है, फ्लो बैक टू द ओशन, ओशन में वापस पहुंचता है, यानी ओशन से चला और ओशन में वापस आया। द ओशंस आर ह्यूज, ओशंस कैसे हमारे ह्यूज हैं, यानी बहुत विशाल हैं, या तो आपको पता ही है। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन ओशन, और जो हमारी मोस्ट ऑफ अर्थ है वो किससे कवर है, ओशन से। 98% ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट इन द ओशन, यानी जितना भी वाटर है उसका 98% कहाँ पर है, ओशंस में, एंड देयरफॉर इज अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ सॉल्ट। और इसीलिए कैसा है, 98% वाटर अनड्रिंकेबल, क्योंकि किसकी वजह से, सॉल्ट की वजह से, बिकॉज एज यू नो वेरी वेल ओशन वाटर इज वेरी सॉल्टी। ओनली अबाउट 2% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर इज फ्रेश, ओनली 2% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर इज फ्रेश, यानी 98% तो ओशन में जो कि अनड्रिंकेबल है बिकॉज ऑफ सॉल्ट, ओनली कितना 2% ऑफ प्लैनेट्स वाटर इज फ्रेश, और जो 2% वाटर है प्लैनेट का वो फ्रेश है, बट 1.6% ऑफ द प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, ओके ना। ओनली 2% फ्रेश वाटर, उसमें से भी 1.6% है वो फ्रेश वाटर लॉक्ड है कहाँ पे, पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, यानी आइस कैप्स और ग्लेशियर में लॉक्ड हो गया। तो अनदर 0.36% इज अंडरग्राउंड इन वेल्स, तो जो दूसरा 0.36% है वो कहाँ पे, वो वेल्स में, अंडरग्राउंड इन वेल्स। ओनली अबाउट 0.036% ऑफ प्लैनेट्स टोटल वाटर सप्लाई इज फाउंड इन फ्रेश लेक्स एंड रिवर, यानी पूरे वाटर का ओनली 0.036% है वो ही वाटर फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर में। तो द स्मॉल परसेंटेज इन लेक एंड रिवर्स स्टिल मैनी ट्रिलियन ऑफ वाटर, यानी जो इतना जो स्मॉल परसेंटेज है किसका, लेक एंड रिवर का, वो अभी भी क्या है, इट्स अ मैनी ट्रिलियन ऑफ लीटर, बट इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंप्लीटेड टू ऑल द वर्ल्ड वाटर इन द होल वर्ल्ड, पर फिर भी ये काफ़ी कम है जो कि पूरे हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है, जिन लोगों को वाटर ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ये फिर भी काफ़ी कम है, इसीलिए बोलते हैं सेफ वाटर। द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन प्लैनेट, इसके अलावा
अभी हमने 0.036% किया तो बचा कितना 0.004%। इज आइदर फ्लोटिंग इन द एयर एज क्लाउड, जो क्लाउड में जो फ्लोटिंग करता है एयर में एज इन क्लाउड्स, और वाटर वेपर वो करता है कितना 0.004%। और इज लॉक्ड अप इन प्लांट्स एंड एनिमल, और ये कहाँ लॉक्ड है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। डिड यू नो दैट योर बॉडी इज 65% ऑफ वाटर, आपको पता है आपकी बॉडी में भी कितना पानी है 65% ऑफ वाटर। दैट मीन इफ़ योर वेट इज 30 किलोग्राम देन 19.5 किलोग्राम ऑफ यू इज वाटर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका वेट कितना है 30 किलो तो आपका टोटल उसमें वाटर का वेट कितना होगा 19.5 किलोग्राम इज यू इज वाटर, यानी आप 90.5 किलोग्राम आपका बॉडी जो है वो वाटर से बना। समझ में आया ये वाटर का, वाटर वाटर एवरीवेयर, सो अंडरस्टैंड दिस ना। वाटर वाटर एवरीवेयर एक्टिविटी 9 सम ग्लोसरीज है, ओके। दीज आर न्यू वर्ड्स फॉर यू, एवोपेट्स ये तो आपको पता ही होगा, टर्न इनटू गैस वाटर वेपर, जब टर्न इनटू गैस वाटर वेपर, जो वाटर जो सन की वार्म की वजह से क्या होता है हीटिंग की वजह से गैस में या वाटर वेपर में टर्न हो जाता है, पोलर यानी बिलोंगिंग टू पोल्स। ये क्या होते हैं जो हमारे नॉर्थन एंड साउथर्न पॉइंट्स हैं हमारे अर्थ के, द टू पॉइंट ऑफ द मोस्ट नॉर्थन एंड मोस्ट साउथर्न एंड ऑफ द अर्थ, दीज आर पोलर, जहाँ पे कि वाटर लॉक्ड है। ग्लेशियर अ लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव स्लोली, ग्लेशियर अ लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव स्लोली, यानी बड़ी बड़ी ग्लेशियर्स की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो कि धीरे धीरे स्लोली मूव करती है। ट्रिलियन यानी यह नंबर, दिस नंबर इज कॉल्ड ट्रिलियन। फ्लोटिंग मूविंग ईजीली थ्रो एयर, यानी जो एयर के साथ में मूव करता है फ्लोट करता है वो फ्लोटिंग, ओके। नाउ हियर आर सम मैचेस, ओके, मैच ए एंड बी, इट्स ए एंड बी। अनड्रिंकेबल वाटर, ये तो आपको पता है अनड्रिंकेबल वाटर कहाँ पे होता है, फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, वाटर लॉक्ड इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स, वाटर इन अंडरग्राउंड वेल्स, वाटर इन क्लाउड्स एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये इज ए 0.04%, बी 1.6%, सी 0.36%, डी 2%, ई ओशन, एफ 0.036%। सो अनड्रिंकेबल वाटर इज द फर्स्ट ई, अनड्रिंकेबल वाटर कहाँ पर होता है इन ओशन। फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, फ्रेश वाटर ऑन अर्थ कितना है, यस इट्स ओनली 2%, बिकॉज 98% ओशंस में होता है, सो इट्स अ 2%। नंबर थर्ड, वाटर लॉक्ड इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, इट्स अ बी 1.6%। नंबर फोर, फ्रेश लेक्स एंड रिवर, इट्स अ 4F 0.036%। वाटर ऑन अंडरग्राउंड वेल्स, इट्स अ 5, सो नंबर इट्स अ 6, 0.36%। वाटर इन क्लाउड्स एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट्स ए 0.04%। क्लियर, इसको आपको बार बार एक बार रीड कर लेना है बिकॉज इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैचिंग फॉर योर एग्जाम्स। और इस चीज़ को समझने के लिए कि वाटर कहाँ पर कितना है, इसके लिए मैंने एक आपके लिए एक चार्ट रेडी किया है, ओके। सो द चार्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअली वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे प्लैनेट पे वो किस तरीके से। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज, ओके, कितना है एक बार फिर से सुन लें, इट्स अ 160 लियंस, 260 क्विंटेलियंस, ओके। इतना वाटर है हमारे अर्थ पे, ये देखिए ये एरो आया और ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट पार्ट इज वाटर इन ओशन 98% अनड्रिंकेबल, तो ये तो यहाँ पे लॉक हो गया, इट्स अ फिनिश। दूसरा पार्ट, फ्रेश वाटर ऑन अर्थ कितना है 2%, कितना है 2%, अभी 2% कहाँ कहाँ डिवाइडेड है वो देखिए, 2% फर्स्ट,
1.6% कहाँ पर है, पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, ओके। 0.36% में कितना है, अंडरग्राउंड वेल्स। एंड फिर उसके बाद फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स इज 0.036%। आफ्टर दैट जितना बचा वो क्या है, फ्लोटिंग वाटर इन एयर एज क्लाउड एंड वाटर वेपर एंड लॉक द विन प्लांट एंड एनिमल्स, इट्स 0.04%। समझ में आई पूरा डिस्ट्रीब्यूशन 98, उसके बाद 2% कहाँ कहाँ डिवाइडेड है। इसीलिए जो वाटर हमें यूज करने के लिए मिल रहा है, जो फ्रेश वाटर है, वो बहुत कम अमाउंट में है, ओके। और एज यू नो वेरी वेल, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो तो 65% ऑफ वाटर है ही ना। हियर सम एमसीक्यूज। नंबर वन, 0.36% ऑफ वाटर इज ए इन द ओशन, बी अंडरग्राउंड इन वेल्स, सी लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, एंड डी फाउंड इन फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स। यस, व्हाट इज द आंसर, 0.36%। 0.36% इज इन बी अंडरग्राउंड इन वेल्स। नंबर सेकेंड, द वाटर इन द ओशन इज अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ, द वाटर इन द ओशन इज अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ ए पॉल्यूशन, बी एवेपोरेशन, सी सॉल्ट, डी पॉजीनियस मैरिन लाइफ। सो द वाटर इन द ओशन इज अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ सॉल्ट, सो आंसर इज सी। क्लियर। द फर्स्ट स्टेप इन वाटर साइकिल इज, द फर्स्ट स्टेप इन वाटर साइकिल इज ए रेन्स डाउन ऑन द लैंड, रेन्स डाउन ऑन द लैंड, बी फ्लोज बैक टू द ओशन, फ्लोज बैक टू द ओशन, सी एवोपरेट्स फ्रॉम द ओशन, एवोपरेट्स फ्रॉम द ओशन, डी ट्रेवल्स थ्रू द एयर, ट्रेवल्स थ्रू द एयर। तो द फर्स्ट स्टेप इन वाटर साइकिल इज, जो फर्स्ट स्टेप है वाटर साइकिल का वो क्या है, आप बोलिए। यस, इट्स अ सी एवोपरेट्स फ्रॉम द ओशन। जब एवोपरेट होता है ओशन में से तो वो है फर्स्ट साइकिल ऑफ वाटर साइकिल। नंबर फोर, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन ए ग्लेशियर, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन ग्लेशियर, बी आइस कैप्स ऑफ माउंटेन, सी वाटर वेपर, और डी ओशन। तो एज यू नो वेरी वेल, यस इट्स अ डी ओशन। नंबर फाइव, द मेजर अमाउंट ऑफ द प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन, द मेजर अमाउंट ऑफ प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन ए पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, बी ओशन, सी अंडरग्राउंड वेल्स, डी फ्लोटिंग क्लाउड्स। तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लॉक कहाँ पर है, इट्स ए पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। सो दीज फाइव आर कंप्लीट। वन मोर टाइम देख लेते हैं, 0.36% ऑफ वाटर इज इन द ओशन, सो नाउ इट्स अंडरग्राउंड इन वेल्स, द वाटर इन द ओशन इज अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ सॉल्ट, द फर्स्ट स्टेप इन वाटर साइकिल इज एवोपरेट फ्रॉम द ओशन, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन ओशन, द मेजर अमाउंट ऑफ द प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। देन नंबर सिक्स, इवन द स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स इज मैनी डैश ऑफ लीटर, इट्स अ मिलियन, बी ट्रिलियन, सी बिलियन, डी बिलियन। वो क्या आएगा इसका आंसर, तो इवन द स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर इन लेक्स एंड रिवर इज मैनी billion, so answer is B. Say whether the following sentence are true or false. तो क्या जो following sentence है उसमें क्या आएगा, true or false? Number one, the water on the earth keeps in constant cycle. The water on the earth keeps in constant cycle. तो जो water है earth का वो constant cycle में हमेशा चलता रहता है, yes it's a true. नंबर टू, द एवोपरेटेड वाटर डायरेक्टली फ्लोज बैक इनटू द ओशन,
जो एवोपरेट वाटर है वो वापस ओशन में डायरेक्टली आ जाता है? नो, वो भी अपनी साइकिल से बात जैसे रैन होने के बाद में धीरे धीरे वो रिवर्स वगैरह सबसे होते हुए फिर ओशन में आता है, इसलिए ये फॉल्स। नंबर थर्ड, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड इन ओशन। मोस्ट ऑफ द अर्थ है वो ओशन से कवर है? नो, इट्स अ यस। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन ओशन, यस इट्स अ ट्रू। 92% ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट इज इन ओशन। 92% ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट इज इन ओशन, नो इट्स 98%, सो इट्स अगेन फॉल्स। नंबर 5, द फ्रेश वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड टू ऑल द वाटर इन द होल वर्ल्ड। द फ्रेश वाटर इन लेक एंड रिवर इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड टू ऑल द वाटर इन द होल वर्ल्ड। इट्स अगेन इट्स ट्रू, क्योंकि क्या है, द फ्रेश वाटर इन द लेक एंड रिवर इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर, क्योंकि कितना भी वाटर है रिवर में लेकिन वो कंपेयर टू होल वर्ल्ड कम ही है, तो इट्स ट्रू। नंबर 6, द फ्लोटिंग वाटर इन द एयर इज क्लाउड एंड वाटर वेपर, यस। द फ्लोटिंग वाटर क्या है, जो एयर में होता है, जो क्लाउड्स एंड वाटर वेपर में, तो इट्स ट्रू। नंबर 7, ह्यूमन बॉडी 65% ऑफ वाटर, यस इट्स अगेन ट्रू। ह्यूमन बॉडी इज 65% ऑफ वाटर। ओके, नाउ हियर आर सम क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1, हाउ मच वाटर इज देयर ऑन द अर्थ। अर्थ पर कितना पानी है, मैं इस आपको कितनी बार ही रिपीट कर चुकी हूँ, इस बार आप खुद से बोलिए कितना होगा। हाउ मच वाटर इज देयर ऑन द अर्थ, देयर इज 1,260,000,260 quintillions, ओके, लीटर ऑफ वाटर इज देयर ऑन द अर्थ। नंबर 2, व्हाई साइकिल डज द वाटर ऑन द अर्थ फॉलो। व्हाई साइकिल डज द वाटर ऑन द अर्थ फॉलो, तो द साइकिल दैट द वाटर ऑन द अर्थ फॉलो इज एज गिवन इन द फ्लो चार्ट बिलो। तो क्या है कि व्हाट, यस, द साइकिल दैट वाटर ऑन द अर्थ फॉलो ऑन द गिवन इन द फ्लो चार्ट बिलो, क्या है, कौन सा चार्ट बताया मैंने, एवोपरेट्स फ्रॉम द ओशन। पहले तो एवोपरेट फ्रॉम द ओशन, ये साइकिल है हमारी, एवोपरेट फ्रॉम द ओशन देन ट्रेवल्स थ्रू द एयर, उसके बाद क्या, एयर से फ्रॉम द वाटर वेपर, फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसके बाद क्या होता है, रेन डाउन ऑन द अर्थ, वापस अर्थ पर आती है, देन फ्लोज बैक टू द ओशन, फिर वापस से फ्लो करती है ओशन में। ओके, व्हाट साइकिल डज द वाटर ऑन द अर्थ फ्लो, या वाई की जगह व्हाट आएगा, व्हाट साइकिल डज द वाटर ऑन द अर्थ फ्लो, द साइकिल दैट द वाटर ऑन द अर्थ फ्लो इज एज गिवन इन द फ्लो चार्ट बिलो, एवोपरेट फ्रॉम द ओशन, ट्रेवल्स थ्रू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वेन डाउन ऑन द लैंड एंड फ्लो बैक टू द ओशन। नंबर 3, व्हाट कवर द मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ, how is it useless, what cover the major portion of the earth and how is it useless, answer 98% of water on the planet is in the ocean, 98% of the water is on the planet is in the ocean, but the water being salty it is undrinkable, 98% ocean mein hai but ye salty hone ki wajah se kya hai, undrinkable hai. Question number 4 is, what is floating water? The answer, the water that evaporates turn into water vapor and forms cloud that float in the air. The water that evaporates turn into water vapor and form cloud that float in the air. वो जो water जो evaporate होता है और water vapor में turn हो जाता है और जो cloud बनते हैं वो ही क्या कहलाता है, floating water. How much water does our body contain? हमारी body कितना water contain करती है, तो our body contains 65% of water. So this activity is finished now. We will meet again in the next session. Hope you are enjoying our class. Okay? Stay safe and stay healthy.